हेलो गाइस, तो स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज हम फिर से हिमलैंड्स के न्यू हिडन लेयर्स फाइंड करेंगे। और मैं जैसे आपको बताना चाहूंगा कि मैं किसी भी हिमलैंड्स के क्रिएटर से बिल्कुल भी हेट नहीं करता। तो चलिए वीडियो देखते हैं। Hi boss, about to die seriously man। जहाँ पर मैंने अपना कीबोर्ड रखा, मैंने इतना जोर से बेंच को दबाया कि ऑलमोस्ट कीबोर्ड नीचे गिरने वाला था। अगला वाला मेरे को पता है भाई क्या हो गया, बटन दबाएगा यहाँ पर बहुत सारे एरोज निकलने वाले हैं। ना अरे पर ऐसे घूमता रहूंगा ऐसे ना, ताकि मेरे को एरोज लगे ही ना। तो गाइज, जैसे आप सभी देख पा रहे हो, जो हमारे स्मार्टी भाई भाई के सामने कुछ बैरियर ब्लॉक्स रखे थे, तो वो ब्लॉक्स जब उनने एक कट सीन किया, तो उसके बाद उनने अपना गेम मोड चेंज करके एडवेंचर कर दिया। इसकी वजह से उनके आउटलाइंस बंद हो गए थे। नहीं, मेरा पार्को स्किल सबको पता है। अरे आप लोगों को पार्टिसिपेट तो शुरू हुई है। अरे भाई, अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ। तुम लोगों को पार्टिसिपेट ही करना है, मेरे साथ रहना है। तुम लोग मेरे साथ रहोगे, मेरी हिम्मत बनी रहेगी भाई। ये हम लोगों को चेयर लीडर लेके जा रहा है भाई, मैं नहीं नाचूंगा भाई। हाँ, तुम लोग बेसिकली चीयर लीडर का काम करो मेरे लिए, कृपया करके। नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं नाचूंगा, मैं नारे लगा दूंगा 5 रुपए की पेप्सी स्मार्टी भाई सेक्सी दिखा। जैसे कि आप सभी देख पा रहे, हमारे स्मार्टी पाई भाई ही हुला लाला का रोल प्ले करते थे, तो आज हमें पता चल गया। तो अगर आपने इस चीज को नोटिस की थी तो अच्छी बात है। एंड यहाँ पे ओ माय गॉड, अकेले पकड़ा हुआ था इसको, हैरी कैसल के अंदर ही थी। पता है ना, मेरे को पता था ना, ड्रीम बॉय को पता था ना, ही एसजी को पता था ना, तो मिस्टर फलाना जी को पता था कि गेड़ा लगा हुआ फिजर को। हम लोग पक्का इसकी मदद करने जाते। हम लोग तो भाई खुद यहाँ पे होगा लाला वारा को पकड़ने में यहाँ पे गेड़ा दिया हुआ था हमने। देखो भाई, रोकने की पूरी कोशिश करे इसने, इसको बल्कि रोक भी दिया था। ओ माय गॉड, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक प्लेयर का हेड था, जो हेड आप ऐसे नॉर्मली सर्वाइवल से नहीं ले सकते। तो अब उन्हें कैसे लाया और कहाँ से आया वो मुझे नहीं पता। अब अगर आपको पता है तो जरूर से कमेंट में बताना। मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ गाइस, मेरे को ना, अरे भाई मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे को इस फाइट को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। मुझे उसने बताया था कि मैं सब कुछ यहाँ पे ना फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकता हूँ, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट देखना है कि इसको इन्होंने कहाँ पर कैप्चर किया। बहुत बड़ा कैसल है, बहुत बड़ा कैसल। मैं सीरियसली यहाँ पे ना अटक जाऊंगा नहीं तो उसके बाद। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, वहाँ पे जो एमरल्ड के ब्लॉक ऑलरेडी लगे हुए थे, वो हमारे ड्रीम बॉय भाई ने लगाया था। और ये इसका प्रूफ ऑलरेडी ड्रीम बॉय भाई ने अपने लास्ट वीडियो में दिए थे। और अगर आपको नहीं मिला है वो क्लिप, तो मैं आपको वो क्लिप जरूर से प्ले करके दिखाऊंगा। ड्रीम बॉय भाग भागो। ओके, नाइस 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 नाइस। आजा 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 बेटे आजा। हाँ हाँ हाँ, तू मारेगा। एक तो मेरे को देख नहीं रहे, रुको। अगर मैं अपना चश्मा यहाँ पे उतारे खेलने वाला हूँ तो मैं बेस्ट खेलूंगा। पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही जगह सेम तरीके से सेम वे में ब्लॉक्स लगे हुए थे, वो भी एमरल्ड्स के। तो फिर ये भी कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा, ये मुझे मालूम है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक ले अलविदा दोस्तों।